अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपसे इस हाउस प्लान की तमाम डिटेल शेयर करूंगा कि इस हाउस प्लान में कितने कमरे बनाने हैं, डोर और विंडो कहां कहां रहेंगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसे कि ये 24x52 फुट का हाउस प्लान है, तो सबसे पहले हम हाउस प्लान के बाहर और अंदर वाली दीवारों को प्लान के हिसाब से 10 फुट हाइट दे देते हैं। तो बाहर वाली दीवारों की मोटाई हमने 10 इंच और अंदर वाली दीवारों की मोटाई हमने 5 इंच रखी है। कहीं से भी आए, इन स्टेप से होकर आप पोर्च में पहुंचेंगे। सीढ़ियां भी मैंने पोर्च से दी हैं, सीढ़ियों के नीचे आप कार पार कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहां गार्डनिंग के लिए जगह छोड़ी है। इसकी दीवार को भी हाइट दे देते हैं, स्टेयर को फिलहाल हाइट कर देते हैं। तो अब हम इस हाउस प्लान में जहां जहां डोर देने हैं दे देते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट पर यहाँ ड्राइंग रूम है, यहाँ हम 3x7 फुट का डोर दे देते हैं। इसके बाद पोर्च से होकर 3x7 फुट का डोर सीढ़ियों के नीचे रहेगा। डोर से होकर हम डाइनिंग एरिया में आएंगे। ड्राइंग रूम से डाइनिंग एरिया में आने के लिए 3x7 फुट का डोर हम यहाँ दे देते हैं। दोस्तों हाउस प्लान के साइज की डिटेल हम वीडियो के आखिर में देखेंगे। यहाँ पर हमने किचन बनाया है, तो 3x7 फुट की ओपनिंग दे देते हैं। तो किचन में हम एल शेप 2 फुट वाइड स्लैब दे देते हैं, तो इससे हम 2 फुट 8 इंच हाइट दे देते हैं। यहाँ पे OTS है। इसके बाद हमने यहाँ पर टॉयलेट डिज़ाइन किया है, यहाँ पे हम 2 फुट 6 इंच x 7 फुट की डोर ओपनिंग दे देते हैं। 14 फुट 6 इंच x 15 फुट का डाइनिंग एरिया है। तो इसके बाद यहाँ पे 2 बेडरूम है, तो दोनों बेडरूम में हमने 3 फुट x 7 फुट डोर ओपनिंग के लिए दे देते हैं। इसमें दोस्तों आप बेडरूम के डोर का साइज 3 फुट से 4 फुट तक रख सकते हैं। इस हाउस प्लान की बैक साइड पर हमने एक बाथ डिज़ाइन किया है। बाथ की डोर ओपनिंग हम 2 फुट 6 इंच x 7 फुट रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर दोनों बेडरूम और बाथ के लिए OTS है, तो OTS के लिए भी हम 3x7 फुट की डोर ओपनिंग दे देते हैं। इसके बाद OTS से होकर हमने एक छोटा सा स्टोर बनाया है, तो स्टोर के डोर के लिए भी हमने 2 फुट 6 इंच x 7 फुट की जगह कटआउट कर देते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने तमाम डोर प्लान के हिसाब से दे दिए हैं। तो अब हम दोस्तों इस हाउस प्लान में जहाँ जहाँ विंडो देनी है दे देते हैं। एक 6x4 फुट की बड़ी साइज़ की विंडो ड्राइंग रूम के फ्रंट पर दे देते हैं। असल में दोस्तों बड़ी साइज़ की विंडो देखने में खूबसूरत लगती है और इससे लाइटिंग और वेंटिलेशन भी अच्छे से हो पाएगी। करें किचन की, तो 4x3x6 इंच की विंडो किचन के इस दीवार पर रहेगी। OTS के साथ एक टॉयलेट है, तो टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए एक रोशनदान यहाँ पर दे देते हैं। इसके बाद इस बेडरूम की लाइटिंग और वेंटिलेशन के लिए 3x4 फुट की विंडो दे देते हैं। इस बेडरूम के भी 3x4 फुट की विंडो ओपनिंग दे देते हैं। यहाँ पर टॉयलेट है, तो 2 फुट 6 इंच x 1 फुट 6 इंच की वेंटिलेशन दे देते हैं। दोस्तों मैंने प्लान के हिसाब से तमाम विंडो वेंटिलेशन के लिए दे दी हैं। दोस्तों यहाँ हाउस प्लान की 3 साइड क्लोज हैं, तो इसलिए मैंने हाउस प्लान की वेंटिलेशन अच्छे से हो पाए 2 OTS दिए हैं। तो अब मैं आपको इस हाउस प्लान में फर्नीचर और स्टेयर ऐड करके दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने इस हाउस प्लान में फर्नीचर ऐड कर दी है और स्टेयर भी प्लान के हिसाब से दे दी है। तो दोस्तों ये है 2 बेडरूम पर मुश्तमिल हाउस प्लान। सबसे पहले पोर्च है, पोर्च के साथ यहाँ पे फ्रंट लॉन है। इसके बाद इस डोर सेंटर होंगे, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम है। इसके बाद इस डोर सेंटर होंगे, तो डाइनिंग एरिया में पहुँचेंगे। डाइनिंग एरिया के साथ यहाँ पर किचन है, किचन के साथ OTS है और इससे आगे टॉयलेट है। इसके बाद इस हाउस प्लान के 2 बेडरूम हैं, इस बेडरूम के साथ एक अटैच बाथ। इसके बाद OTS और OTS से होकर स्टोर है। दोस्तों इस हाउस प्लान का 3D व्यू देख लेने के बाद हम इस हाउस प्लान की मेजरमेंट देखते हैं। ये 1250 स्क्वायर फुट का हाउस प्लान है, जिसका फ्रंट 24 फुट और लंबाई 52 फुट है। पोर्च की साइज़ की बात करें, तो पोर्च का साइज 15 फुट 10 इंच x 9 फुट 1 इंच है। पोर्च से हमने सीढ़ियाँ डिज़ाइन की हैं, तो सीढ़ियाँ हमने 10 फुट 2 इंच x 8 फुट 6 इंच की जगह में डिज़ाइन की हैं। लॉन का साइज 13 फुट 4 इंच x 3 फुट 1 इंच है। इसके बाद ड्राइंग रूम का साइज़ हमने 13 फुट 7 इंच x 6 फुट रखा है। आगे डाइनिंग एरिया का साइज 14 फुट 6 इंच x 15 फुट 5 इंच है। इसके बाद किचन का साइज 7 फुट 7 इंच x 7 फुट 7 इंच है। इससे आगे OTS का साइज 8x3 फुट है। टॉयलेट का साइज 7 फुट 7 इंच x 4 फुट है। इसके बाद बेडरूम का साइज 11 फुट 1 इंच x 12 फुट है।
इस बेडरूम के साथ अटैच बाथ का साइज 7 फुट 8 इंच बाय 6 फुट है। इस बेडरूम की बात करें तो इस बेडरूम का साइज 11 फुट बाय 12 फुट है। इस वाले OTS का साइज 9 फुट 5 इंच बाय 6 फुट रखा है। इससे आगे स्टोर का साइज 4 फुट बाय 4 फुट 7 इंच है। दोस्तों ये था आज का कार पार्किंग के साथ 2 बेडरूम का हाउस प्लान। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।